हाँ जी, आज का टॉपिक है हमारा एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, जो कि वॉइड माने जाएंगे. ठीक है, मतलब ऐसे एग्रीमेंट जिसमें कंसीडरेशन नहीं होगा तो वो व्यर्थ माने जाएंगे. ठीक है, अभी तक हम ये कह रहे थे कि हर एग्रीमेंट में कंसीडरेशन होना चाहिए, तभी वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है. लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं कि अगर कंसीडरेशन नहीं भी होगा ना तो भी ये वॉइड नहीं होगा, ये मतलब वैलिड हो सकता है. देखो, जब हम इसके फीचर्स पढ़ रहे थे तो हमने एक बात ये नोटिस की थी कि उसका कहना ये है कि प्रतिफल होना चाहिए, वरना एग्रीमेंट वॉइड ही हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन पाएगा. बट उस रूल के कुछ एक्सेप्शन हैं जो हम आज करेंगे. तो उसके लिए ये जितनी भी आपने देखा होगा बहुत बड़ा पैराग्राफ है, लेकिन इसमें बात कुछ नहीं है, बात सिर्फ यही है कि पहले कंसीडरेशन का मतलब बताएंगे आप इस तरीके के टॉपिक में कि कंसीडरेशन क्या चीज़ है, यानी कि बदले में कुछ, समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग. अगर हम किसी को कोई वचन देते हैं तो उसके बदले में हम उससे प्रतिफल की उम्मीद करते हैं, और अगर कोई हमसे वचन लेता है तो उसके बदले में हम उससे एक हम कुछ अगर उसको दे रहे हैं तो इन रिटर्न हमें कुछ चाहिए भी सही. अगर मेरे कहने से सामने वाला कोई काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके कहने पर मुझे भी उसकी बात माननी होगी या उसका 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 वचन पूरा करना होगा. राइट, तो एक दूसरे को जो वचन है वही तो प्रतिफल है असल में. ठीक है ना, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. इसमें बहुत सारे केसेस भी आए हैं, जस्ट जनरल बातें हैं, इसमें लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है. अब करते हैं कि एक्सेप्शन क्या क्या हैं, वो उसके ऊपर आते हैं मेन. तो इस एक्सेप्शन में आ जाते हैं. पहला जो पॉइंट है वो है स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह के कारण वचन. मतलब अगर दो लोगों के बीच में एक लव एंड अफेक्शन का रिलेशनशिप है, जैसे माँ बेटे में है, फादर बेटे में है, रिलेशनशिप चाहे रिश्तेदारी में है, ऑब्वियसली इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान में रखना. एक तो स्वाभाविक प्रेम स्नेह होना चाहिए, और जो भी एग्रीमेंट करो वो लिखित में करो, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए. तो ऐसा जो ठहराव है, और उसमें निकट संबंध होना चाहिए. मतलब जैसे अब दो दोस्त हैं तो उसमें कोई निकट संबंध वैसे तो है, लेकिन इस तरीके का नहीं है. जैसे एक रिलेशन की बात कर रहे हो, वो उस तरह का रिलेशन नहीं है. ठीक है, तो अब वापस इसी मुद्दे पे आ जाती हूँ कि अगर दो लोगों के बीच में रिलेशन है नज़दीकी का, नंबर एक, नंबर दो उनके बीच में प्यार है, मतलब कोई झगड़ा नहीं है, नंबर तीन उनके बीच में जो ठहराव हो रहा है वो रिटर्न में है और रजिस्टर्ड है, अगर ये चारों चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें दिख रही हैं आपको, अगर ये चारों चीज़ें हैं तो आपके बीच में अगर एग्रीमेंट बिना प्रतिफल के भी हो रहा है ना तो भी वो वैलिड होगा, वॉइड नहीं होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फादर अपने बेटे को कोई प्रॉपर्टी ऐसे ही दे रहा है फ्री में, तो एक तो फ्री में दे रहा है तो ये एग्रीमेंट लिखित होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, और फादर और बेटे के बीच में निकट संबंध तो है ही, और उनके बीच में प्रेम भी होना चाहिए. ये नहीं है कि बेटा जो है डंडे के जोर पे फादर का मतलब धमका कर या परेशान करके फादर से प्रॉपर्टी के अपने नाम लिखवा रहा है, वो नहीं होना चाहिए. उस तरीके के सीन में नहीं होगा, फिर तो फादर उसके बदले में बेटे से प्रतिफल भी लेगा अगर ऐसा है तो. लेकिन यहाँ पर जब प्रेम और स्नेह की बात आती है तो फिर प्रतिफल के बगैर भी काम चल सकता है. ये चारों कंडीशन पूरी होंगी तो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें प्रतिफल नहीं भी है, मतलब अगर फादर प्रॉपर्टी दे रहा है तो बदले में बेटा कुछ नहीं दे रहा है तो भी ये एग्रीमेंट वैलिड है, और अगर फादर कल को मुकर जाता है तो देन बेटा उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है. अभी तक तो सब कुछ ठीक है, अभी तक तो प्यार मोहब्बत एवरीथिंग इज़ ओके. फादर ने एक एग्रीमेंट कर दिया, एक वचन दे दिया बेटे को कि मैं तुझे ये प्रॉपर्टी दे दूंगा, और ये ठहराव लिखित हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, और उन दोनों के बीच में निकट संबंध है, और अभी फादर और बेटे के बीच में एक प्यार मोहब्बत है, और फादर का दिया हुआ वचन फिर बिल्कुल मान्य होगा और वैध होगा, और अगर कल को फादर इस वचन से मुकर जाता है देन बेटा अब फिर जो है ज़बरदस्ती ऑब्वियसली न्यायालय में जाकर ये काम करवा सकता है. ठीक है,
नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज स्वेच्छा से किए गए कार्य की क्षतिपूर्ति के लिए दिए गए वचन। इसका मतलब क्या है? स्वेच्छा का मतलब अपनी इच्छा से जो हम कार्य करते हैं उसके लिए कोई क्षतिपूर्ति है, और क्षतिपूर्ति के लिए अगर किसी ने मुझे वचन दिया है तो वो वचन भी बिना प्रतिफल के वैध होता है और एग्रीमेंट जो है वो मान्य होता है, वैलिड होता है। एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं सीधा आपको। मान लीजिए मेरा एक सामान गुम हो गया है कहीं, कोई सूटकेस मेरा कहीं गिर गया, ठीक है। अब गिर गया, मैं अपना घर आ गई, अब वो किसी को मिल गया, राइट, ऑब्वियसली गिरेगा किसी ना किसी को तो मिलेगा। उन्होंने मेरा सूटकेस जो है वो संभाल के रख लिया, ओके। उसके बाद क्या हुआ, मुझे पता लगा कि मेरा सूटकेस तो फलाने बंदे के पास है, या उसको पता लगा कि ये इस बंदी का था, तो वो मेरे एड्रेस पर मुझे देने आ गया। मैं खुश हो गई, चलो फिर मैंने सूटकेस रख लिया, उसको थैंक यू किया, और मैंने उनको कहा आपने जो है मेरा जो संभाल के सामान रखा उसके लिए मैं आपको 500 रुपये इनाम देने का वचन करती हूँ। अभी तो नहीं है लेकिन मैं आपको 2 महीने बाद 500 रुपये ज़रूर दूँगी, ठीक है। अब बताओ ये क्या किया मैंने, किसको दिया वचन दिया, किसको, सामने वाले को, किसके लिए, उसने जो मेरे काम के ऊपर जो मेरा काम किया, क्षतिपूर्ति भी नहीं कहूँगी, मतलब एक तरह से उसने मेरा कार्य किया है उसके लिए मैंने इसको वचन दिया है, कार्य की क्षतिपूर्ति है। एक्चुअली कार्य की क्षतिपूर्ति वर्ड थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा कि मतलब कोई नुकसान थोड़ी ना हुआ है, कार्य किया ही तो है। कार्य को पूरा कर ऐसे भी कर सकते हो, कार्य की पूर्ति के लिए यूँ कर सकते हो, ठीक है, के लिए जो वचन दिया है वो, और मैंने अपनी इच्छा से दिया ना, उसने मुझसे 500 रुपये मांगे थे, नहीं मांगे थे ना। अब बात समझ में आ गई, अपनी इच्छा से मतलब उसने जो कार्य किया था, जैसे देखो उसने मेरा सूटकेस उठा लिया, अपनी इच्छा से ही तो उठाया, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, ठीक है। मैं जो वचन दे रही हूँ मैं भी अपनी इच्छा से दे रही हूँ, किस चीज़ के लिए वचन दे रही हूँ, जो कार्य उसने मेरे लिए किया, कब किया, पहले किया लेकिन उसने अपनी इच्छा से किया। अब बात जस्टिफाई हो जाती है, तो अब इसको हम कंप्लीट करते हैं कि अगर एक व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति की जानकारी के बगैर उसकी इच्छा मतलब उसकी जानकारी के बगैर, उसको पता भी नहीं है, और अपनी इच्छा से उसके लिए कोई कार्य किया है बिना किसी प्रतिफल की उम्मीद लगाए, ठीक है ना, उसके लिए कोई कार्य किया है, और बाद में सामने वाला व्यक्ति जिसके लिए आपने वो कार्य किया था वो आपको आपके द्वारा किए गए कार्य के प्रतिफल की पूर्ति का वचन देता है, और ये वचन जो है अवैधानिक रूप से मान्य होगा। अगर आज मैं आपको 500 रुपये देने का वचन दे रही हूँ तो मैं कल इसे अब मुकर नहीं सकती, मुझे फिर देने ही पड़ेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे फादर को अब प्रॉपर्टी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके का जो एग्रीमेंट किया है वो बिल्कुल वैलिड है, और अब न्यायालय में आप को जाना पड़ सकता है अगर आप अपनी बात से मुकर जाते हो। सेम केस यहाँ पे भी है, या तो आप 500 रुपये का कमिटमेंट करो ही मत, अगर आप कर रहे हो, अब अगर आप कर रहे हो देन आपको क्या करना होगा, उस वचन को पूरा करना होगा, ठीक है जी। अच्छा ये बात क्लियर हो गई, अब चलते हैं आगे थर्ड नंबर पे, अवधि वर्जित ऋण के भुगतान का। अवधि वर्जित का क्या मतलब होता है, जिसका टाइम निकल चुका है ऐसा ऋण, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटेशन के हिसाब से। अगर मान लीजिए किसी ऋण को वसूल करने का टाइम जा चुका है देन आप उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते। मैंने आपको बोला कि मैं आपको ये लोन दे रही हूँ और अगर आपने नहीं दिया 1 साल तक तो मैं आपके खिलाफ एक्शन ले लूँगी, तो 1 साल आपने मतलब आपने नहीं दिया लेकिन मैंने कोई एक्शन भी नहीं लिया, और एक्शन लेने का ना एक टाइम होता है पर्टिकुलर कि भाई आप इतने टाइम तक किसी के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया तो इसका मतलब उस ऋण को वसूल करने का टाइम जा चुका, राइट। अब आपने आप भूल गए कि भैया मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप बेचारे घर में बैठ गए कि भैया पैसे भी दे दिए और मैंने एक्शन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की, तो चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। उस पर्सन के दिमाग में थोड़ी इंसानियत जागी और उसने आपको वचन दिया कि ऐसा है आज मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि जो ऋण मैंने आपसे लिया हुआ मैं कभी ना कभी, या फिर मैं कभी ना कभी नहीं, मैं आपको जैसे 2 साल 3 साल 6 महीने बाद ज़रूर चुका दूँगा, ये मेरा वादा रहा। और वो वादा जो है उसने ऑब्वियसली रिटर्न में करेगा तो बात बनेगी ना, ओरल चीज़ों की ना कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होती। इस तरीके के कमिटमेंट जो कर रहे हैं ना वो लिखित में होने चाहिए ताकि उसको एज एन एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सके, राइट।
अब अगर सामने वाले ने अपने उस पुराने ऋण को चुकाने के लिए अपने आप आगे बढ़कर आपसे वादा किया है तो उसे हम कहेंगे ऐसे भुगतान का वचन जो अवधि वर्जित ऋण है, यानी कि जिसका टाइम जा चुका है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइम बार डेट, राइट। और फिर क्या होगा, मान लीजिए वो टाइम आने के बाद जो है आप उस ऋण को नहीं चुकाते, देन मैं आपके खिलाफ़ एक्शन ले सकती हूँ। फिर से बता रही हूँ, शुरू में टाइम मैंने गंवा दिया, मेरे ध्यान नहीं रहा, मैंने आपके खिलाफ़ कोई एक्शन ले लिया, काम ख़त्म हो गया। आपके दिमाग में आया कि मैडम ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब ये तो ना मैं ना दूँ। आपने मुझे प्रॉमिस किया कि मैडम मैं आपको दे दूँगा, लेकिन थोड़ा टाइम रुक जाओ, आपने मेरे को लिखित में ये वचन दे दिया, ओके। उसके बाद अगर आपने अब पूरा नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ, राइट। अब यहाँ पे तीनों केसेस में आपने किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि प्रतिफल का क्या कनेक्शन है, ये मतलब अभी प्रतिफल तो है ना, हम तो कह रहे हैं कि प्रतिफल के बगैर भी जो है ना हमारा जो ठहराव है यानी कि जो एग्रीमेंट है वो व्यर्थ हो जाता है। पर प्रतिफल तो है, मैंने ऋण दिया वही तो ऋण मेरे को चुका रहा है भाई, जो ऋण मैंने दिया था उस ऋण को प्राप्त करने का अधिकार मैं गंवा चुकी हूँ, तो अब जो ऋण मुझे देगा ना वो बिना प्रतिफल का ही हो रहा है, उसके बदले में मैं कुछ नहीं दे रही उसको। पुराने ऋण को भूल जाओ, पुराना ऋण तो एक तरह से गया पानी में, उस अधिकार को मैं गंवा चुकी हूँ, ठीक है। कोई भी एग्रीमेंट आपको कुछ अधिकार देता है, कुछ कर्तव्य भी होते हैं आपके, वो अधिकार तो मैं गंवा चुकी, अब उस अधिकार का तो कोई सीन ही नहीं है। वो जो ऋण देने का वादा कर रहा है वो नए सिरे से कर रहा है, वो प्रॉमिस कर रहा है, और उसके बदले में नए सिरे से मैं उसको बदले में कुछ नहीं दे रही हूँ, तो हो गया ना बिना प्रतिफल का। सिमिलरली ये वाला जो केस था, कहाँ गया ये वाला, हाँ इसमें भी फादर बेटे से बदले में कुछ नहीं ले रहा, यहाँ पे भी जो कार्य आपने मेरे लिए किया था, मेरे सूटकेस को संभाल के रखा था, वो अपनी इच्छा से किया था और वो पहले किया था, एट दैट मोमेंट कोई प्रतिफल नहीं था, ठीक है। आज की डेट में वो काम ख़त्म हो गया पहले वाला, आज की डेट में मैं आपको 500 रुपये देने का वचन दे रही हूँ, उसके बदले में आपसे कुछ नहीं ले रही हूँ। अब आपको क्या, अरे कुछ कैसे नहीं ले रहे हो, सूटकेस ले रहे हो, लेकिन बेटा सूटकेस वाली कहानी एक तरह से मान के चलिए कि ख़त्म हो चुकी। जब सूटकेस उसने उठाया था तब मैं वहाँ कहाँ थी, नहीं थी ना, उसको पता ही नहीं था मैं कौन हूँ क्या हूँ, हो सकता सूटकेस अपने पास रख भी लेता, ना आता मेरे पास फिर क्या कर लेती मैं, ठीक है ना। मुझे देखना है एट प्रेजेंट जो मैं दे रही हूँ बदले में मुझे क्या मिल रहा है, तो एट प्रेजेंट मैं 500 रुपये देने का वचन दे रही हूँ, उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। और इसमें तो आपको क्लियर हो ही गया था, ठीक है, इसमें भी आपको बता दिया। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में। एजेंसी का एक अनुबंध होता है जिसमें दो लोग होते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है कि तुम मेरे लिए ये काम करो एजेंट बनकर, तो मैं तुम्हारी प्रिंसिपल हुई तुम मेरे एजेंट हुए। एजेंट वो होता है जो प्रिंसिपल के कहने पर प्रिंसिपल के तरीके से काम करता है, और वो बिना पैसों के भी कर सकता है और पैसों के साथ भी करता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँगी मैं नौकरी फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगी तो पैसों के बगैर हो गई, और अगर पैसे लेके करूँगी तो वो पैसों के साथ हो गई। ऐसे ही जो एजेंट होते हैं, एजेंट वो होते हैं जो किसी के बिहाफ पर कोई काम करते हैं, और उसमें क्या होता है वो प्रतिफल के बगैर भी काम कर सकते हैं, रूल होता है ये, या प्रतिफल लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्रतिफल नहीं लेकर कोई काम किया है तो भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उन दोनों के बीच में कि तुम मेरे लिए ये काम करोगे, तुमने कहा हाँ करूँगी पर मैं पैसे नहीं लूँगी, मैंने कहा लेवल ले फिर और क्या चाहिए मुझे, आपने बिना पैसों के काम करने को तैयार हो गए और कोई बात ही नहीं है, मैं तो खुश हो गई, उल्टा अच्छा है मेरे पैसे भी नहीं जाएंगे। तो जो काम करने का तुमने मेरे से मतलब मैंने आपको जो बोला कि मैं ये काम करो, आप उस काम में लापरवाही नहीं कर सकते, आपको उस काम को बिल्कुल ईमानदारी से करना होगा। कल को आप ये नहीं कह सकते अरे मैं तो कोई पैसे लेके थोड़ी ना कर रही हूँ आपके लिए, पर नहीं पैसे ना लेना आपका अपना एक ओपिनियन था, मैंने तो आपको ये नहीं कहा था कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट करो, नहीं ना। तो मेरे और आपके बीच में कार्य को लेकर जो अनुबंध हुआ है वो बिल्कुल वैलिड है, और उस अनुबंध में आप मेरा काम कर रहे हो बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे रही हूँ, फिर भी हमारा ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बनेगा और ये बाकायदा न्यायालय में वैलिड भी होगा। कल को आप कोई गड़बड़ करते हो तो बाकायदा मैं आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकती हूँ, हालांकि आपको मैं बदले में कुछ दे नहीं रही हूँ तो भी। चलिए नेक्स्ट आता है ग्रैटिशियस बेलमेंट। बेलमेंट वर्ड होता है, एग्जांपल से बता रही हूँ, मेरे को एक सूट सिलवाना है, मैं कहाँ जाऊँगी, या तो खुद सिलूँगी या किसी को दूँगी, मैं टेलर के पास जाती हूँ, टेलर को कहा कि भैया
एक तो सूट सिल दो, टेलर उसके बदले में क्या देगा, पैसे लेगा मुझसे, सूट सिल के दे देगा। उसे मैं बोलूँगी बेलमेंट, खाली बेलमेंट, नॉट ग्रेटिशियस, ये वाली बेलमेंट, ठीक है। बेलमेंट होता है जब आप किसी को कोई सामान देते हो और वो आपके सामान को कुछ टाइम के बाद आपको लौटा देता है, उसे बेलमेंट कहते हैं। मैंने सूट दिया, उसने लौटा दिया ना, मैंने मोची को चप्पल दी, उसने लौटा दी ना, मेरे पड़ोस में कोई शादी है, उनके घर में चेयर्स कम है, उन्होंने मेरे घर से मंगवा ली, लेकिन कल को लौटाएंगे ना मुझे, किसे बोलेंगे बेलमेंट। कहाँ गया बेलमेंट, ये रहा, यस, ठीक है। अब ये बेलमेंट दो टाइप का होता है बेटे, जब पैसे लेके दिया जाता है तो वो होता है नॉन ग्रेटिशियस, और जो बिना पैसों के किया जाता है वो होता है ग्रेटिशियस। ये बिना पैसों का है। मेरे पड़ोस में जो मैंने कुर्सियाँ दी हैं उसके बदले में मैंने कोई पैसा नहीं मांगा है, लेकिन अगर मैंने मोची को चप्पल दी है तो मोची तो चप्पल के पैसे लेगा ना मुझसे ठीक करने के। तो जो बेलमेंट मोची के साथ हुई वो नॉन ग्रेटिशियस थी, और जो आप पड़ोसी के साथ हुई वो ग्रेटिशियस थी। तो ग्रेटिशियस बेलमेंट में अब आप देखो कोई प्रतिफल था, कुर्सियों के बदले में मैंने कुछ लिया नहीं ना, नहीं लिया ना। तो अब कुर्सियाँ मैंने आपको यूज़ करने के लिए दी है ना, लेकिन बदले में मैंने आपसे कोई किराया नहीं लिया, बिना प्रतिफल के हुआ ना। लेकिन कल को अगर आप कह दो कि मैं तो नहीं देती कुर्सी, क्या मैं आपके खिलाफ़ कोई एक्शन ले सकती हूँ? ऑब्वियसली ले सकती हूँ, ठीक है। आप मेरे खिलाफ़ कोई एक्शन ले सकते हो, मतलब अगर मैं आपके साथ कोई मिसबिहेव करती हूँ एक अलग बात है, अदरवाइज़ आपका मेरे खिलाफ़ एक्शन लेना बनता ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपको उल्टा हेल्प करी है, ठीक है। अब इस बेलमेंट में देखो कोई भी प्रतिफल नहीं है, नहीं है ना, फिर भी ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बनेगा और बाकायदा कोर्ट में भी जा सकता है अगर कुछ गड़बड़ होती है तो। लास्ट में आ रहा है गिफ्ट एंड डोनेशन। गिफ्ट एंड डोनेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज़ हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं कि गिफ्ट के तौर पर या डोनेशन के तौर पर, ठीक है, तो उसमें प्रतिफल होता है, नहीं होता। अब मान लीजिए मैं किसी भिखारी को 10 रुपये दे देती हूँ, तो वो क्या हुआ, वो कोई एग्रीमेंट हुआ? नहीं, कोई एग्रीमेंट तो अब क्या है। अगर मान लो मैं वचन दे देती हूँ कि तुम तेरे को 10 रुपये दूंगी और वो मैं नहीं देती, तो क्या मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ले सकता। लेकिन कई डोनेशन या गिफ्ट ऐसे भी होते हैं जिनके बेस पर सामने वाला कोई ऐसा कार्य कर बैठता है जो अगर आप वादा ना करते तो ना करता वो। जैसे मान लीजिए कि मैं मंदिर जाती रहती हूँ, पर मंदिर की ना एक दीवार टूटी हुई सी लग रही है मुझे, मतलब उसका जो क्या बोल सकते हैं, जैसे पेंट खराब हो रहा है। मैंने मंदिर के पुजारी से पूछा, भई पुजारी जी ये क्या सीन है, इसका कितना खर्चा आएगा? पुजारी ने कहा कि इस पे मिस्त्री ने कहा है 15-20 हज़ार खर्चा आएगा। अभी तो भाई हमारे पास इतना पैसा आया नहीं है दान वान का, तो जब कोई आएगा तो तब देखेंगे। मैंने उसको पुजारी को बोला, मैंने कहा ऐसा करो आप करवा लो काम, जो भी खर्चा आएगा वो मैं पे करूँगी, ठीक है। अब मैंने डोनेट करने का प्रॉमिस किया, कर दिया, ओके कोई बात नहीं। लेकिन कल को उस बेचारे ने मेरे कहने पर मिस्त्री बुला लिए, काम करवा लिया, पैसे देने की बारी आई, मैं तो मुकर गई। मैंने कहा नहीं अभी तो पुजारी जी मैं तो नहीं दे सकती, सॉरी मेरे तो घर के हालात ख़राब हैं। अब पुजारी मेरे खिलाफ़ कोई एक्शन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि मेरी डोनेशन के वादे के ऊपर निर्भर होकर ही तो बेचारे ने काम करवाया था। या तो आप कमिटमेंट ना करते, आपके वचन के बेस पर उसने जो आगे कमिटमेंट कर दी, तो फंस गया वो बेचारा, तो वो कहाँ से पैसे देगा? तो आप याद रखिए, बेशक से मैं आप उसको डोनेशन दे रही हूँ, उसके बदले में कुछ ले नहीं रही हूँ, लेकिन अगर मैं इस एग्रीमेंट से पीछे हटती हूँ, ठीक है, तो पुजारी मेरे खिलाफ़ एक्शन ले सकता है। हालांकि मैं अपनी डोनेशन के बदले में कुछ नहीं ले रही हूँ, तो ये एग्रीमेंट जो है वॉइड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। लेकिन क्योंकि डोनेशन के बेस पर उसने आगे कमिटमेंट कर दी है या काम करवा लिया है, इसलिए मेरे डोनेशन का जो एग्रीमेंट है वो बाकायदा वैलिड है, और मेरे वचन तोड़ने पर वो मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है। समझ में आ गया जी? तो ये सीन रहेगा ऐसे एग्रीमेंट का जो वॉइड होते हैं, वॉइड नहीं होते हैं, बेशक से उनमें प्रतिफल नहीं भी होता है तो। आज का लास्ट टॉपिक है एडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन। एडिक्वेसी का मतलब होता है पर्याप्तता, ठीक है। पर्याप्तता का मतलब होता है कि आज पूरा है या नहीं है, मतलब काफ़ी है या नहीं है। तो कंसीडरेशन यानी प्रतिफल की बात करें, मैंने आपको पहले ही दिन कह दिया था प्रतिफल होना चाहिए, कितना होना चाहिए ये कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है।
कोई सरकार, कोई न्यायालय, कोई एक्ट, कोई अधिनियम, कोई कानून मुझे ये नहीं बताएगा कि मैं अपनी चीज़ कितने में बेचूं। हाँ, अगर बेचना बेच रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो मुझे मिलना चाहिए, वो है मुद्दा। मुद्दा ये नहीं है कि कितना मिलना चाहिए, मुद्दा ये है कि कुछ ना कुछ प्रतिफल ज़रूर होना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर रहे हो, कोई प्रतिफल नहीं कर दे रहे हो या ले रहे हो, वहाँ गड़बड़ है। ठीक है जी, तो एडिक्वेसी इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन, देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग इन केस ऑफ एग्रीमेंट इफ वी वॉन्ट टू बिकम टू बी इफ यू वॉन्ट दैट एन एग्रीमेंट मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए दैन देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन, अदरवाइज इट इज़ नॉट एन एग्रीमेंट। बट एक्सेप्शनल केसेज मैंने आपको बता दिए हैं कि एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर बाकी सारे एग्रीमेंट वॉइड हो जाएंगे अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं होगा। तो आज के लिए यही टॉपिक रहेगा। बाय बाय एंड टेक केयर।